बच्चों, हमने पाठ 18 अच्छी सेहत को पढ़ा हुआ है। मैं आशा करती हूँ कि आपने पाठ को अच्छे से पढ़ा होगा और उसको समझा होगा। अब आगे का मैं पाठ पढ़ने जा रही हूँ और मुझे ये भी पता है कि आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और जो मैंने आपको बताया था अच्छी आदतों को, उनको आपने अपनाया होगा और बुरी आदतों को छोड़ा होगा और सभी ने घर में स्वस्थ आहार और पौष्टिक खाना खाया होगा। तो आइए अब चलते हैं हम अपने चैप्टर पे। जो आपका बचा हुआ पार्ट है उसको हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो बेटा, सभी बच्चे अपनी बुक निकाल लें, हिंदी की किताब खोल लें और आगे से हम उस जो है पैराग्राफ को छोड़कर आगे सेकंड पैराग्राफ से पढ़ना शुरू करते हैं। तो आपको जैसे मैंने इसमें बताया था कि एक बच्चा पत्र लिख रहा है, जिसमें आपने उस पत्र को पढ़ा कि वहाँ पे आशा करता है कि तुम कुशल पूर्वक होगे और वो बच्चा अपनी अच्छी सेहत के बारे में और अच्छे स्वास्थ्य से भरे हुए खाने के बारे में बताया गया है। तो बच्चों, आप सबको भी मैंने बताया कि आपको बाहर का खाद्य पदार्थ नहीं खाना चाहिए, आपको घर के बने मम्मी के हाथ का खाद्य पदार्थ खाना चाहिए। तो बेटा, अब चलते हैं हम पैराग्राफ 2 को देखिए, पेज नंबर 127 यानी 127। घर पर जो खाना मम्मी बनाती हैं वह हर तरह के पौष्टिक तत्वों का खजाना है, जैसे चपाती, चावल, दूध, दही, सलाद, दालें और हरी सब्जियां। यह हमारे शरीर को हर आवश्यक पौष्टिक तत्व प्रदान करती हैं। आपको पता है जो घर पर हमारी माँ हमारे लिए दूध, दही, सलाद, दालें, हरी सब्जियां बनाती हैं, इनसे हमारे शरीर को आवश्यक और पौष्टिक तत्व मिलते हैं। केवल जंक फूड खाने से ही हमारे शरीर का विकास ठीक से नहीं होता। अगर हम बाहर का खाना खाएंगे तो हमारा शारीरिक विकास खत्म हो जाएगा और पौष्टिक तत्वों की कमी होने से हमारे शरीर पर रोगों से लड़ने की ताकत खत्म हो जाती है। हम जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं। अपने भोजन में हरी सब्जियां, फल, दूध और दही जैसे चीज़ों को जरूर शामिल करना चाहिए। इनके अलावा घी, मक्खन और चीज़ भी खाना और मिष्ठान भी, क्योंकि बच्चों बढ़ते शरीर को सभी तरह की चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसका मतलब नहीं है कि हम अपने भोजन में केवल हरी सब्जियां, फल ही खाएं। दूध, दही, इसके साथ साथ हमें घी को भी अपने खाने में शामिल करना चाहिए, मक्खन को और चीज़ भी, और मीठी चीज़ों का भी सेवन करना चाहिए। अब हम पेज को पलटेंगे। सभी बच्चे अपने पृष्ठ को पलट लें। स्वस्थ रहने में खेलों का भी महत्वपूर्ण भूमिका है। बेटा, अगर आपको स्वस्थ रहना है तो इसके लिए आपको खेल खेलना भी आवश्यक है। केवल घर के अंदर ही नहीं, घर से बाहर निकलकर भी खेलना चाहिए। लेकिन आप लोग तो केवल कंप्यूटर पर खेलना पसंद करते हो, लेकिन हम बता रहे हैं हमारे बच्चे कंप्यूटर से ज़्यादा मोबाइल पर खेलना पसंद करते हैं। शायद तुम नहीं जानते हो, एक ही जगह बैठे रहने से शारीरिक विकास रुक जाता है। शारीरिक मतलब शरीर का विकास। जब अगर हम एक ही जगह पर बैठे रहेंगे तो हमारे शरीर का विकास रुक जाता है और हम बढ़ नहीं पाते। इसलिए हमें शाम को घर से बाहर निकलकर क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी जैसे खेल को खेलना चाहिए। पार्क में झूला झूलना, पकड़म पकड़ाई, ऊंच नीच, छुपन छुपाई जैसे खेल खेलने से शरीर की कसरत भी होगी और दोस्तों के साथ खेलने में मज़ा भी आ जाएगा। आपको पता है ना, आप स्कूल में भी जब बाहर फील्ड में निकाला जाता है, मैदान में आप पकड़म पकड़ाई, ऊंच नीच, छुपन छुपाई खेलते हो, तो ऐसे खेल आपको बेटा हर दिन खेलना चाहिए। इससे आपके शरीर शारीरिक विकास होता है। हम जैसे बड़ी उम्र के लोगों को अपना शरीर स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करना चाहिए और जो लोग बड़े हो जाते हैं, उम्र से अधिक होते हैं, उनको व्यायाम करना चाहिए। तो मैं घर पर ही योग आदि करता हूँ और सुबह शाम टहलने भी जाता हूँ, पर तुम तो खेलकूद ही यह कसरत कर सकते हो। कंप्यूटर पर खेल खेलने हो तो उसका भी समय निश्चित करो, बाहर खेलने का समय भी तय करो। रोजाना कम से कम 1 घंटा बाहर निकल कर खेलोगे तो भूख भी बढ़ेगी और पाचन तंत्र मजबूत होगा। आपको पता है पाचन तंत्र मत होता है कि पचाने की प्रक्रिया, जो पाचन की, आप जो भोजन खाते हैं उसको पचाने की क्रिया से अगर आप बाहर निकलकर खेलोगे तो मजबूत होगा। आप बलवान, बलवान मतलब ताकतवर बनोगे और हमेशा सेहतमंद रहोगे। अगर बच्चों आप जो है अपने खेलने का समय अंदर, घर के अंदर और बाहर का एक सुनिश्चित टाइम पर करोगे, समय निश्चित करोगे, इससे क्या होगा, आपका पाचन शक्ति भी मजबूत होगी और आप सेहतमंद भी रहोगे। स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छ रहना भी जरूरी है। ये नहीं कि स्वस्थ रहने के लिए केवल अच्छा खाना ही जरूरी है, हेल्दी फूड, अच्छी सेहत के लिए इसके लिए आपको साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखना है। अगर स्वच्छ नहीं रहोगे तो तरह तरह के कीटाणु शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए रोजाना नहाओ, खाने से पहले और बाद में अच्छी तरह से हाथ धो। हैंड वॉश करते हो ना, आप लोग के स्कूल में बताया जाता है
कि जब आपका फ्रूट ब्रेक होता है तो आप जाते हो बाहर, अपने हाथों को धुलते हो, और उसके बाद जब आपका लंच होता है खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद, आपको हाथों की सफाई अच्छे से करनी चाहिए। और बेटा इसके साथ साथ आपको दिन में 2 बार दांत साफ करना चाहिए, एक सुबह आपको अपने दांतों को साफ करना चाहिए, एक रात में खाना खाने के पश्चात आपको अपने दांतों को साफ करना चाहिए। हाथों और पैरों के नाखून भी समय समय पर काटो, वरना उसमें भरा मैल खाने से हमारे पेट में पहुंच सकता है। मैंने देखा बहुत सारे बच्चे अपने हाथों के नाखूनों को नहीं कट कर सकते हैं, और मैं रोज कक्षा में उनको टोकती हूँ कि बेटा आप लोग अपने हाथों के नाखूनों को काट लीजिए, क्योंकि उसमें जो गंदगी होती है वो आपके खाने के माध्यम से आपके पेट के अंदर आपके शरीर में प्रवेश करती है और आपके शरीर में कीटाणु पनपने लगते हैं। स्वयं के साथ साथ आसपास की भी आपको सफाई रखनी चाहिए। कई बार तुम चॉकलेट खाकर उसका रैपर कहीं भी फेंक देते हो, ऐसा ना करो, दूसरों को भी ऐसा करने से मना करो। लेकिन बेटा मैं आपको इसलिए नहीं मना करती, मैं रोज़ देखती हूँ कक्षा में भी आप चॉकलेट कागज़ के टुकड़े इधर उधर फेंकते हैं, और सिस्टर हमारी रोज़ आपको अनाउंसमेंट करके बताती हैं कि आपको इधर उधर नहीं कूड़ा कचरा फेंकना, लेकिन आप मानते नहीं हैं। तो बेटा आपको इस आदत में अपने सुधार लाना है, गंदे कूड़ा करकट को आप केवल डस्टबिन में ही डालेंगे, कूड़ेदान में ही फेंकेंगे। साफ सफाई रखने से रोगों से बचाव तो होगा ही, साथ साथ हम सबके प्रिय भी बनेंगे। कहा भी गया है बेटा, आपको भी ये याद रखना है, साफ सफाई दूर रहेगी, यदि रखो याद साफ सफाई दूर रहेगी बीमारी, पौष्टिक भोजन लो भरपूर सदा रहेगी सेहत तंदुरुस्त, खेल खेल में करो व्यायाम तभी शरीर होगा बलवान। याद रखो सदा ये बोल है, क्योंकि सेहत सबसे अनमोल है। तो आपको बेटा इस कथन पर ध्यान रखना है कि हमारी सेहत सबसे अनमोल है, और हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, इसके साथ साथ सफाई का भी, और अपने जो है सेहत पर अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप स्वस्थ हष्ट पुष्ट आपका शरीर रहेंगे, क्योंकि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। इसी बात के साथ हमारा ये पाठ खत्म होता है बेटा, और आप ये देखिए मैंने ब्लैक बोर्ड पर आपको कठिन शब्द दे दिए, आप इन कठिन शब्द को अपनी हिंदी की नोट्स कॉपी में नोट डाउन करके लिख लेंगे, और इस पाठ का शब्दार्थ आगे का मैं आपको स्कूल खुलने पर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी।